स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों आज का टॉपिक जो हमारा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसमें कंप्लीटली मैं बताऊंगा आप लोगों को फ्रेशर इंजीनियर और एक्सपीरियंस इंजीनियर के बारे में कि क्या डिफरेंस होता है फ्रेशर इंजीनियर और एक एक्सपीरियंस इंजीनियर में। सभी लोगों ने यूट्यूब टिकटॉक की कहानी तो सुन ली, जिससे अपना सिविल इंजीनियर का कोई वास्ता ही नहीं है, लेकिन आज हम जानेंगे कि फ्रेशर इंजीनियर और एक्सपीरियंस इंजीनियर में क्या डिफरेंस होता है, किसको फ्रेशर बोलते हैं किसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, क्योंकि अवेयरनेस की भारी कमी है हमारे इंजीनियर्स फील्ड में। इसलिए अवेयरनेस के लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा पूरी, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, जिससे आगे जो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है वो जरूर मिलेंगी। तो नोटिफिकेशन आने के लिए आप लोग बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आती रहे। दोस्तों फ्रेशर इंजीनियर, देखिए फ्रेशर इंजीनियर केवल वही व्यक्ति है जो कोई काम नहीं जानता। मतलब मैं एक कहानी आप लोगों से कहूं, मान लीजिए आपकी खुद की एक कंपनी है। लोग ब्लेम करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। मान लीजिए दोस्तों आपकी खुद की कंपनी है और आप लोगों को जॉब दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हायरिंग आप कर रहे हैं और आपके पास दो व्यक्ति आए, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आपको सिखाना पड़ेगा। मतलब जो आपने क्वालिफिकेशन रखी है वो है, लेकिन आपको उसको सिखाना पड़ेगा। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो सीखा सिखाया है पहले उस काम को। मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए आपको, एक व्यक्ति आगे कह रहा है आपसे मुझे कंप्यूटर डिग्री है मेरे पास, लेकिन कंप्यूटर आपको सिखाना पड़ेगा चलाने के लिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है कंप्यूटर की डिग्री भी और साथ में कंप्यूटर चलाना भी जानता हूं। आप किस व्यक्ति को जॉब पे रखोगे बताइए दोस्तों, आप किस व्यक्ति को जॉब पे रखोगे? कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी बताइए मुझे किस व्यक्ति को आपको जॉब पे रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिसको कंप्यूटर चलाना सिखाना पड़ेगा, या ऐसे व्यक्ति को जिसको कंप्यूटर चलाना आता है पहले से? ऑब्वियसली आपका आंसर यही होगा, जिसको कंप्यूटर चलाना पहले आता है ऐसे व्यक्ति को मैं जॉब पे रखूंगा। तो दोस्तों कॉलेज की डिग्री है आपके पास, डिप्लोमा है, तो कोई आपको जॉब क्यों देगा? आपको एस्टिमेशन बनाना नहीं आता। आप मैं आपको दे दूं कि आपको पूरा प्लान है, ये ड्राइंग है, लेके जाइए इसको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग, और जाइए इसका पूरा बजट निकाल के बताइए मुझे। क्या आप बता सकते हो? अगर आप बता सकते हो तो जाइए अप्लाई कीजिए उस कंपनी में और बताइए मुझे एस्टिमेशन बनाना आता है। अगर नहीं आता तो सीखिए, ये टाइम है सीखने का आपका। आप स्किल्ड बढ़ाइए, क्योंकि एक्सपीरियंस फ्रेशर कुछ नहीं होता, ये तो हमने बनाया अपने दिमाग से। जो होता है वो होता है स्किल्ड इंजीनियर वर्सेस अनस्किल्ड इंजीनियर। टिकटॉक यूट्यूब भूल जाओ, वो सिविल इंजीनियर का कोई वास्ता नहीं है। सिविल इंजीनियर का वास्ता है स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड इंजीनियर। आप स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, उसके लिए आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करने के लिए मैं जो यहां पर आपको टेक्निकल स्किल्स बताऊंगा, यदि आपको वो आता है तो आप स्किल्ड इंजीनियर हैं, अगर नहीं आता तो आप एक अनस्किल्ड इंजीनियर हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं टेक्निकल स्किल्स आपको बताना चाह रहा हूं, क्या आपको पूरे बिल्डिंग का, यदि मैं आपको ड्राइंग प्रोवाइड कर दूं पूरे प्रोजेक्ट की, क्या आप पूरे बिल्डिंग का एस्टिमेशन निकाल सकते हैं? क्या आप डिटेल में आइटम वाइज एस्टिमेशन उसका कंप्लीट बजट निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो आप एक स्किल्ड इंजीनियर हैं। क्या आप पूरे बिल्डिंग में लगने वाले स्ट्रक्चरल ड्राइंग से उसका कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं स्टील बार का? अगर आप कर सकते हैं तो आप बार बेंडिंग शेड्यूल इंजीनियर की जॉब जल्दी ही पा लेंगे, लेकिन नहीं कर सकते तो आप एक अनस्किल्ड इंजीनियर हैं। दोस्तों कड़वा बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये सत्य है एकदम। इसके बाद यदि आपको दोस्तों आप पूरे बिल्डिंग का मटेरियल की कॉस्ट निकाल सकते हैं, मटेरियल की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, तो आप एज अ क्वांटिटी सर्वेयर वर्क कर सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो आप एक अनस्किल्ड इंजीनियर हैं। फिर से मैंने कड़वा बोला, लेकिन दोस्तों ये सत्य है इस इंडस्ट्री का, जो आपको समझना पड़ेगा आज ही। दोस्तों यदि आप तीन तरह की बिलिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बिल जिसको सेलेब्रेट बिलिंग बोलते हैं, आइटम वाइज बिलिंग जिसको बिल्डर बिलिंग बोलते हैं, और साथ में गवर्नमेंट बिलिंग जिसको सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स के आधार पर या गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी जो स्टेट पीडब्ल्यूडी होते हैं उनके एसओआर के आधार पर सॉल्व किया जाता है, क्या आप ऐसी बिलिंग कर सकते हैं सॉल्व? तो आप एज अ बिलिंग इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। साथ में रिकंसिलेशन अगर आप बना सकते हैं तो बिलिंग इंजीनियर की जॉब आपसे दूर कहीं नहीं है, आपके सपनों की जॉब आपके पास है यदि आप इतना काम कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में मैं जानकारी बताऊंगा आपको, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो ऑटोकैड तो जरूर करते हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछता हूं, क्या आपको सबमिशन ड्राइंग बनाने आती है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्लानिंग? अगर आपको आती तब आप ऑटोकैड में परफेक्ट है। यदि आपको केवल प्लान बनाना नहीं आता, आपको सबमिशन ड्राइंग नहीं आती, गवर्नमेंट बायलॉज नहीं आते, तो ऑटोकैड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑटोकैड चलाना नहीं सीखना हमको। हमको क्या सीखना है? ऑटोकैड की सबमिशन ड्राइंग बनाना सीखना है, हमको गवर्नमेंट बायलॉज सीखने हैं, तब ऑटोकैड हमारा परफेक्ट होगा। क्या आपको रेविट आर्किटेक्चर में 3D एलिवेशन वॉक थ्रूज बनाने आते हैं? तब आप डिजाइन इंजीनियर कहलाएंगे, वरना आप डिजाइन इंजीनियर नहीं कहलाएंगे, वरना आप क्या कहलाएंगे? अनस्किल्ड इंजीनियर। फ्रेशर नहीं कहूंगा मैं, अभी भी बता रहा हूं आपको, अनस्किल्ड कहूंगा उनको मैं। उनको जॉब नहीं देगा कोई भी कंपनी, आप खुद होते तो आप भी जॉब नहीं देते उनको। क्या आप स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग में 16 mm का बार क्यों लग रहा है स्टील बार, M25 का कॉन्क्रीट क्यों लग रहा है, M20 क्यों नहीं लगाऊं मैं उसमें?
12 mm का बार क्यों नहीं लगाऊंगा मैं इसमें। ये सब की जानकारी के लिए सॉफ्टवेयर है E-Tap सॉफ्टवेयर, जिसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइन सीखते हैं। क्या आपको ये सॉफ्टवेयर आता है? क्या आप किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं? पूछे खुद से, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपका है। यदि नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जाके नो लिखिए, नो। दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में तो बहुत सुनते होंगे आप। प्रोजेक्ट मैनेजर लीड करता है किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी साइट को लीड करता है। कैसे करता है? उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करता है वो, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारे काम को आसान बनाता है। उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है MSP। क्या आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनने लायक है? अगर बनने लायक है तो आपके पास MSP सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। जब भी आप ये सॉफ्टवेयर के बारे में सीख गए तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनने से कोई नहीं जोड़ सकता। और साथ में यदि ये सभी टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर हैं, अगर सेल्फ असेसमेंट में आपको 100% मिलता है इसमें, आप बेरोजगार कभी नहीं रह सकते। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि आप कभी भी बेरोजगार नहीं होंगे। इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने जाना, ये सभी टेक्निकल स्किल्स बेहद ही जरूरी होते हैं हमारे लिए, जो हमें आना ही चाहिए। दोस्तों यहीं पर एक मैं कहानी जोड़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन यदि आपको ये टेक्निकल स्किल सीखनी है तो आपको करना क्या है? आपको www.civilguji.com पे जाना है। वहां पर जाकर देखिए किस तरह से टेक्निकल स्किल्स आप लोगों को सिखाई जाती है, क्या क्या टेक्निकल स्किल्स। इसको डिटेल में बताया गया है हमारे द्वारा कि आपको टेक्निकल स्किल्स कैसे सीखनी होती है। दोस्तों एक कहानी बताना चाहूंगा आपको मैं। एक सल्तनत में एक राजा था। उस राजा को एक पड़ोसी सल्तनत के राजा ने 2 बाज गिफ्ट में दिए। वो बाज एकदम शानदार नस्ल के बाज, राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ उन बाजों को देखकर। राजा ने वो सुपुर्द कर दिया अपने ट्रेनर, जो वहां पर पक्षी को ट्रेनर था, पक्षियों का ट्रेनर, उसको सुपुर्द कर दिया कि आप जाइए इसको कलाबाजी सिखाइए, पैतरे सिखाइए, अलग अलग युद्ध नीति सिखाइए इसको। क्योंकि पहले के जमाने में युद्ध नीति के लिए बाज वगैरह का बहुत ज्यादा योगदान होता था। आपको पता होगा कि हर सल्तनत में बाज जरूर रखते थे जिससे युद्ध नीति जीती जाए। बाज सबसे बेहतरीन पक्षी हुआ करता था युद्ध नीति के लिए। तो दोस्तों लेकिन उसके बाद 3 महीने बाद क्या हुआ, वो ट्रेनर राजा के पास पहुंचा और बोला कि राजा साहब दोनों बाज की सेम नस्ल है, लेकिन एक बाज तो शानदार उड़ता है लेकिन दूसरा बाज उड़ता ही नहीं है। राजा साहब बड़े अचंभित कि दोनों सेम नस्ल के बाज, एक तो उड़ता है एक नहीं उड़ता। राजा साहब पहुंचे वहीं पर जहां वो बाज मौजूद थे। राजा साहब भी अचंभित हो गए कि एक बाज तो अलग, जैसा ट्रेनर बता रहा है सेम वैसे ही उड़ा, लेकिन दूसरा बाज उसके भांति नहीं उड़ा। राजा साहब ने कहा ट्रेनर से, जाइए ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो पक्षी प्रेमी हो, जो पक्षियों से बात कर सकता हो। वो ट्रेनर गया उन पक्षी प्रेमी के पास और ढूंढा अलग अलग जगह में, एक पक्षी प्रेमी मिला, एक साधारण सा गांव वाला, उसे पक्षी प्रेमी मिला जो पक्षियों से बात कर सकता है। वो पक्षी प्रेमी आया और 2 मिनट के लिए अचंभित एकदम कि क्या हो रहा है ऐसा, लेकिन वो समझ चुका था क्यों नहीं उड़ पा रहा है ये। वो एकदम समझ चुका था क्यों नहीं उड़ पा रहा है बाज। वो डायरेक्टली राजा साहब से एक बात कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। वो कह रहा राजा साहब इन बाजों में से जो बाज नहीं उड़ रहा है मैं उसको उड़ाने की पूरी गारंटी लेता हूं, मैं इनको देखते ही। जबकि देखिए दोस्तों वो ट्रेनर मौजूद था, वो नहीं उड़ा पा रहा था, लेकिन पक्षी प्रेमी ने कहा मैं इन बाजों में से जो एक बाज नहीं उड़ रहा है उसको आराम से उड़ा सकता हूं, मैं तो ऐसे बाजों को कई बार उड़ा चुका हूं। दोस्तों क्या किया उसने पता है आपको? मात्र 1 मिनट लगा उसको। उसने क्या काम करा, जिस शाखा पर वो बैठा हुआ था बाज, उसने जस्ट उसको काट दिया, जस्ट कटिंग द ब्रांच ऑफ द ट्री। आपको भी यही देखना आप किस ब्रांच पे बैठे हुए हैं, डेट इज द कंफर्ट जोन। जो कंफर्ट जोन हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो दोस्तों आप भी देखिए आपका कंफर्ट जोन क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो यही बातें मैं आप लोगों को बताने आया था, जिसके मैं कंप्लीटली आपको बताया कि क्या से आप स्किल्ड इंजीनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।